नमस्कार। एमपी न्यूज पर इस खास पेशकश के साथ मैं निधि हाजिर हूँ। आज है 7 नवंबर का दिन। 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। जी हाँ, कैंसर वो बीमारी जिसका नाम सुनते ही हर कोई कुछ पल के लिए घबरा जरूर जाता है। ये एक जानलेवा बीमारी भी साबित हो सकती है। हालांकि इसके कई ट्रीटमेंट्स अब उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी इसकी गंभीरता वही समझ सकता है जो इस बीमारी से जूझ रहा हो। इस बीमारी को समझना जितना मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है इस बीमारी से लड़ना और इससे उबर पाना। कैंसर को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर प्रवीण जड़िया क्या कुछ कहते हैं और क्या जानकारी वो आपसे साझा करना चाहते हैं, चलिए बात करते हैं डॉक्टर प्रवीण जड़िया से। देखिए, कैंसर दिवस के अवसर पर जो कार्य हमारा विभाग करने जा रहा है, उसमें मूलतः ये है कि लोगों को ये अवेयरनेस हो जाए कि प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं, किस तरह से उन्हें स्वयं डिटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें कहाँ जाकर उनका इलाज या उपचार करना चाहिए। पूर्व में अगर हम बात करें, 20-30 वर्ष पहले की अगर हम बात करें, तो स्वास्थ्य का जो पिरामिड हुआ करता था, उसमें सबसे बड़ा योगदान होता था कम्युनिकेबल डिजीज़ का, यानी कि ऐसी डिजीज़ जो एक से दूसरे में फैलती हैं, चाहे वो डायरिया हो या डिसेंट्री जैसी चीज़ हो, चाहे वो अन्य कोई हैजा जैसी चीज़ हो, या वो आज की तारीख में अगर आप देखें तो इनके नाम कुछ जगहों को छोड़कर अन्य बड़े स्थानों पर सुनने को भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ पर साफ सफाई से लेकर उपचार की सुविधा जो सरकार ने उपलब्ध कराई है, इनसे अब उन पर काबू पा लिया गया है। अगला जो था उस वक्त नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि ऐसी डिजीज़ जो एक से दूसरे में नहीं फैलती हैं, उनका प्रतिशत एक अगर पिरामिड की बात करें तो पिरामिड की टिप जैसा हुआ करता था। वर्तमान में ये पिरामिड बदल चुका है और अब सर्वाधिक जो केसेस हमारे पास निकल रहे हैं, न सिर्फ इंडिया में बल्कि विश्व में, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के आ रहे हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में मूलतः जो बीमारियाँ ली जाती हैं वो रहती हैं डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और कैंसर, चाहे वो मुख का कैंसर हो, स्तन का कैंसर हो या सर्वाइकल कैंसर हो, महिलाओं में जो अधिकतर होता है, मानसिक रोग, इस तरह की कई चीज़ें हैं जो जिनका आज की तारीख में प्रेविलेंस निरंतर बढ़ता जा रहा है। जहाँ तक कैंसर का सवाल है, कैंसर होने के कई कारण हो जाते हैं, जिनमें जेनेटिक भी सबसे प्रमुख होता है। जेनेटिक होने का तात्पर्य यह रहता है कि यदि व्यक्ति के परिवार में या उससे संबंधित माता पिता दोनों में से किसी परिवार, मैटरनल या पैटरनल दोनों में से किसी भी परिवार में यदि एक हिस्ट्री होती है, तो उसको ये रोग होने की संभावना रहती है। ओरल कैंसर यानी कि मुंह का कैंसर, अधिकांश सभी जानते हैं कि बीड़ी, तंबाकू, इन सब का सेवन करने से इसकी संभावना बढ़ जाती है। स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इसमें भी पेरेंटल हिस्ट्री लगती है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिन्हें यदि शीघ्र पहचान कर लिया जाए तो इनका उपचार न सिर्फ आसान रहता है बल्कि व्यक्ति की जो जीवन शैली है उसमें भी कोई बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसके लिए एक कार्यक्रम हमारे यहाँ निरंतर चलाया जा रहा है जिसे निरोगी काया अभियान कहते हैं। इसमें NCD का सर्वे प्रत्येक गांव और शहर में 30 वर्ष से अधिक की पॉपुलेशन पे किया जा रहा है। आशा जो प्रत्येक 1000 की पॉपुलेशन पे रहती है, वह जाकर उन क्षेत्र के प्रत्येक 30 वर्ष से ऊपर के महिला और पुरुष की जांच करती है और ये देखती है कि इनमें NCD यानी कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और तीनों प्रकार के जो हमने कैंसर मूलतः अधिकता में जो पाए जाते हैं, मुख कैंसर, स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, इनकी जांच करती है कि इनमें किसी तरह की कोई लक्षण अथवा इस तरह की कोई शिकायत तो नहीं है। तत्पश्चात इन नामों को वो ANM के माध्यम से मेडिकल ऑफिसर तक पहुँचाती है। मेडिकल ऑफिसर इनकी जाँच करते हैं। मुँह कैंसर को देखने में अगर कहीं कोई अल्सर वहाँ दिखता है या कोई सामान्य जो परत रहती है उसकी कंटिन्यूटी में कहीं ब्रेक दिखता है या बार बार मुंह में छाले पड़ जाते हैं, ऐसी कोई घटना उनको लगती है और उसके साथ हिस्ट्री हो परिवार में किसी कैंसर की, अथवा बीड़ी, तंबाकू या अन्य जो तंबाकू जनित उत्पाद रहते हैं उनके उपयोग करने की यदि हिस्ट्री होती है, तो वो उसको सस्पेक्ट में लेके उनको कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाँच के लिए भेज देते हैं। आवश्यकता अनुसार उनकी सर्जरी अथवा मेडिकल जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय की जाती है वो उनको प्रारंभ कर दी जाती है।
जहाँ तक स्तन कैंसर का सवाल है तो ये महिलाओं को 30 वर्ष से अधिक की महिलाओं को आजकल सिखाया जा रहा है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करना है, अर्थात वो अपनी ब्रेस्ट का स्वयं एग्जामिन कर सकती हैं और ये पता कर सकती हैं कि उसमें कहीं किसी तरह का लंप या गठान तो नहीं बन रहा है और वो तेज़ी से बढ़ तो नहीं रहा है। ऐसी कोई स्थिति यदि आती है तो उन्हें भी तत्काल इलाज के लिए मेडिकल और सर्जिकल जैसा उपयुक्त होता है वैसे उसके लिए भेजा जाता है। तीसरे प्रकार का जो कैंसर है जो बहुतायत में महिलाओं में पाया जाता है और महिलाओं की सबसे बड़ी बीमारियों में से एक होता है, वो वेजाइनल सर्वाइकल कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर में सामान्यतः श्वेत रक्त श्वेत स्राव जो महिलाओं में अधिक श्वेत प्रदर जिसे कहते हैं वो होना अधिकतर मात्रा में पाया जाता है। उनकी जो महामारी का चक्र रहता है वो महामारी का चक्र बिगड़ जाता है, एक माह में दो बार आ जाना या दो माह में एक बार आना, इस तरह से चक्र में हो जाता है। कमर में दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, इस तरह की कई समस्याएं होती हैं जो सामान्य लोगों को नहीं होती हैं। ऐसा यदि कोई लक्षण या शिकायत इनको पाई जाती है तो ये हमारे आशा के द्वारा जो खोजी गई हैं ANM के माध्यम से मेडिकल ऑफिसर देखता है, तत्पश्चात इन्हें CSC स्तर पर या जिला स्तर पर भेजा जाता है जहाँ पर इनका एक VIE टेस्ट करते हैं, उसके माध्यम से ये तय हो जाता है कि इनको सर्वाइकल कैंसर है अथवा नहीं। ये तय हो जाने के पश्चात इनका उपचार की प्रारंभ कर दिया जाता है और ये उपचार जो रहता है पुनः मेडिकल और सर्जिकल आवश्यकता अनुसार होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है जो हम इस माह में, न सिर्फ इस माह में बल्कि लगातार हम लोग करते जाते हैं। इस माह में जो हमें मुख्य अवेयरनेस करना है ये आशाओं के माध्यम से घर घर जाकर वो ये बताएंगी कि किस तरह के इस तरह के जो कैंप्स हैं ये किस दिन लगते हैं। सामान्यतः ये कैंप प्रत्येक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में बुधवार को और सब हेल्थ सेंटर्स स्तर पर गुरुवार को लगाए जाते हैं। जहाँ डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर हमने जिले से व्यवस्था की है या उनके पास की PSC से की है कि वो उस दिन वहाँ पहुँच जाएँ और अनिवार्यतः आने वाले मरीजों को एक चिकित्सक कम से कम MBBS के माध्यम से देखा जाए। यदि लोग जागरूक होते हैं, जैसा मैंने बताया कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं या महिलाएं अगर जिनमें करती हैं या पुरुष और महिलाएं जो भी तंबाकू उत्पाद का सेवन करते हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो तंबाकू उत्पाद तत्काल प्रभाव से बंद कर दें। किसी भी तरह का छाला या मुँह में जो रेगुलरिटी में कहीं दरार आ जाती है या इस तरह का कोई सफ़ेद छाला जिसे भी होता है, लिकोप्लेकिया भी हो सकता है, इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं तो वो तत्काल अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर संपर्क करें और वहाँ अपनी स्क्रीनिंग कराएं। यदि दुर्भाग्य से किसी तरह की कोई बीमारी होती है तो उनका इलाज मुफ्त में किया जाएगा। तो देखा और सुना आपने कि क्या कहते हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर प्रवीण जड़िया। कैंसर से डरना उसका इलाज नहीं है, इलाज है सही समय पर कैंसर के लक्षणों को पहचानना और फिर सही इलाज पाना और इस इलाज में पूरा पूरा सहयोग देना डॉक्टर्स को। तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के मौके पर MP न्यूज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।